अभी तक हम लोगों ने सब बेसिक सारी चीज़ें सीख ली, रिकर्जन का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब उसके थोड़ी बहुत सूडो कोड की प्रैक्टिस करनी है हम लोगों ने, कि ताकि आप लोगों इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी थोड़ी बहुत आए। सही, ये सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, सवाल को पहले पढ़ लो जरा एक दफ़ा। द फॉलोइंग रिकर्सिव प्रोसीजर आउटपुट्स एवरी इवन नंबर फ्रॉम द पॉजिटिव पैरामीटर वैल्यू डाउन टू एंड इंक्लूडिंग टू। ठीक है, मतलब हम उसको एक पर्टिकुलर नंबर देंगे, उससे कम जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सबको एक तरीके से आउटपुट करेगा। सही है। द प्रोसीजर चेक्स इफ द इंटीजर इज एन इवन और ऑड नंबर, मतलब चेक कर रहा है यहाँ पे कंडीशन लगेगी, द इंटीजर पैरामीटर इज एन इवन और एन ऑड नंबर, पहले हम चेक करेंगे। अगर नंबर ऑड होगा देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू कन्वर्ट इट टू एन इवन नंबर बाय सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम इट। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक कि हम लोग अगर कुछ जैसे ऑड नंबर आ रहा है, सपोज करते हैं 3, तो हम इसमें से -1 करेंगे जो कि 2 बन जाएगा। तो इस 2 को बेसिकली हमारा इवन नंबर होता है, तो हम इसका आउटपुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। और क्या कह रहा है? द फंक्शन मॉड, मॉड का फंक्शन हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने हमें बता दिया यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन है मॉड जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपको जो अपेंडिक्स में पेपर 2 के अंदर दिया होता था, अब उन्होंने यहाँ पे आपको दे दिया। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द सूडो कोड फॉर द रिकर्सिव प्रोसीजर। सही है, अब आप लोगों ने करना क्या है, रिकर्सिव प्रोसीजर का आप लोगों ने एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स है, और 5 मार्क का सवाल है। और रिकर्सिव तो अब देखो, इसमें जब सोचने बैठे हो ना इसके बारे में, तो अब दिमाग से लूप्स वगैरह सब चीज़ें निकाल दो। अब बस ये सोचो कि क्या जनरल केस और बेस केस में कैसे बनेंगे, और क्या चीज़ें हमें इससे समझ आ रही हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने थोड़ा बहुत रिकर्सिव अल्गोरिथम के मुताबिक सोचना है। सही, अब देखो प्रोसीजर काउंट बाय वैल्यू, यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस थी। अब हमें ये देखना है कि क्या चीज़ जो है वो कम हो रही है। यहाँ पे देखो नंबर, नंबर का पैरामीटर्स की वैल्यूज कम हो रही हैं, तो हमें समझ आ रही है यहाँ तक कि आपका जो रिकर्जन होती है, हम उसके अंदर हमेशा अपना जो पैरामीटर है उसकी वैल्यूज को रिकर्जन के अंदर चेंज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, इफ नंबर कॉमा 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन किस चीज की चेक हो रही है, ये इवन नंबर की कंडीशन चेक हो रही है। मतलब अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे मॉड। ये कहाँ से आया मॉड भाई, ये ऊपर उन्होंने हमें बिल्ट इन फंक्शन दिया, मतलब मॉड नंबर कॉमा 2 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर ये 0 नहीं होगा, मॉड डिवाइडेड बाई 2 मतलब नंबर डिवाइड बाई 2, अगर 0 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका नंबर ऑड है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर जो कि पैरामीटर में आएगा वो उसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, और वो 0 नहीं होता देन यू सपोज टू कंसिडर इट एज एन ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया हमें। फिर उसके बाद अगर हमें क्या करना है कि सपोज करो कि नंबर डिवाइड बाय 2 किया हम लोगों ने, वो इक्वल टू 0 नहीं था, तो फिर हम लोग ने कंसिडर कर लिया कि भाई वो ऑड नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर इज इक्वल टू नंबर माइनस 1। नंबर इज इक्वल टू नंबर माइनस 1 मतलब सपोज करो कि वो यहाँ पे 5 देते हैं हमें। सही, तो अब आप क्या करोगे, ये कंडीशन आप लोगों की ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू कैसे होगी, 5 डिवाइडेड बाई 2 जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। तो अब आप क्या करोगे, नंबर इज इक्वल टू नंबर माइनस 1, 5 माइनस 1 विच विल गिव यू 4। तब आपका आउटपुट, अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लूँ आउटपुट की, तो आपका आउटपुट क्या हो गया, अभी आउटपुट नंबर, आउटपुट नंबर, आपने अपने नंबर को भी आउटपुट करवा दिया यहीं पे। तो अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊं तो आउटपुट में अभी क्या आएगा, 4 आएगा, इनपुट क्या दिया था उसने, 5। ठीक है, अब उसने कहा इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन, अब यहाँ पे हमें अपने बार बार अपने फंक्शन को कॉल करना है, तो वो कैसे करेंगे देन, क्योंकि ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर को कैसे कॉल करते थे, हम लिखेंगे कॉल और फिर से वही फंक्शन का नाम एज इट इज, बिल्कुल सेम टू सेम काउंट। अब यहाँ पे अपनी वैल्यूज को -1 करेंगे, नंबर -1। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पर आएगा, ये कंडीशन चेक करेगा। अब इसमें से ज़रा आइडेंटिफाई करो कि जनरल केस कौन सा है। अच्छा, इसको ना राइट साइड ले जाते हैं। देखो अब ये अगर गौर से देखो तो ये बेसिकली वो केस है जो कि आप लोगों की बेस केस की तरफ आपको लेके जा रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, जनरल केस। और वो कौन सा केस है, वो कौन सी कंडीशंस है जो कि आप लोगों के रिकर्जन को स्टॉप करेगी, वो ये है बेस केस। जैसे ही आपका नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो लेस देन 0 या 0 के बराबर होगा, तो हम लोग
इसको फिर से रिकर्शन कॉल नहीं करेंगे और एंड प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेस केस हो गया। चलो अब इसको थोड़ा बहुत ड्राई रन करके देखते हैं, इधर ही करके देख लेते हैं। स्टार्टिंग में वैल्यू 5 थी, सही है। सपोज करो 5 उसने आउटपुट किया आपको यहाँ पे, उसने पैरामीटर पे पास की थी आपको वैल्यू 5। अब आप आए 5/2 किया आपने, 5/2 आंसर आया नॉट जीरो, सही है, नॉट जीरो आया, इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब होगा क्या कि कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन के नीचे आएंगे, नंबर इज इक्वल टू नंबर माइनस वन, मतलब यहाँ पे 4 स्टोर हो जाएगा 5-1 करने के बाद। अब उन्होंने कहा आउटपुट नंबर, आपने आउटपुट करवा दिए यहाँ पे 4, ठीक है। क्या 4 > 0 है, कंडीशन ट्रू हो गई। अब आप क्या करोगे, कॉल काउंट नंबर माइनस वन, 4 - 1 क्या होता है, नंबर की वैल्यू चेंज हो चुकी है, नंबर की वैल्यू अब 3 हो गई है। तो अभी जब उन्होंने कॉल काउंट किया तो अब हम वापस से स्टार्टिंग में आ जाएंगे, सही है। अब वापस से हम स्टार्टिंग में आ चुके हैं, अब हमने स्टार्टिंग में आके फिर यही सेम चीज फिर से करनी है। अब हम लोगों ने पैरामीटर जो पास करेंगे वो होगा 3। अब सब चीजों को इरेज करते हैं, ठीक है। अब ये रिकर्सिव फंक्शन हमने फिर से कॉल किया है, फिर से अब ये फंक्शन कॉल होगा, अब ये वापस ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू नंबर की 3, ठीक है। अब उसने फिर वही सेम चीज अप्लाई की, 3,2 मतलब 3/2, ये अभी भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने के बाद हम लोग नीचे आएंगे, नंबर इज इक्वल टू नंबर माइनस वन, 3 - 1 हम लोगों ने किया तो आंसर 2 आया, आउटपुट कर दिया हमने 2, यहाँ पे आ गया हमारा आउटपुट 2, ठीक है। क्या 2 > 0 है, क्या 2 > 0 है, बिल्कुल है। तो अब हम फिर से काउंट करेंगे, यहाँ पे नंबर माइनस वन हो जाएगा, नंबर माइनस वन का मतलब क्या होता है, 2 - 1 विच विल गिव यू 1, तो 1 हमारा एज अ पैरामीटर जाएगा। अब वापस ऊपर चले जाएंगे, ये ऊपर जाने के बाद इन सब चीजों का फिर से पैरामीटर्स को फिर से एक तरीके से रिकर्जन होगी, फिर से चलेगा ये। अब लेकिन पैरामीटर के अंदर वैल्यू 1 गई है, क्या 1/2 0 के बराबर होता है, कंडीशन अभी भी आपकी ट्रू है। हम नीचे आएंगे, नंबर देखो सो नंबर माइनस वन, 1 - 1 किया आंसर 0 आया, एंड इफ किया आउटपुट नंबर कर दिया, आउटपुट नंबर में हमारा आउटपुट आ जाएगा 0, ठीक है। अब उन्होंने कहा इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, क्या 0 से बड़ा है, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो अब हम लोग एक तरीके से बेस केस हम लोगों का मेट कर गया, अब हम लोग बाहर निकल जाएंगे इफ की कंडीशन से और एंड प्रोसीजर कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग 5 से लेके जितने भी इवन नंबर थे वो सब हम लोगों ने यहाँ पे आउटपुट करवा दिया। तो एक तरीके से ये आप लोगों का बेसिक तरीका होता है रिकर्जन के एल्गोरिथम्स को चलाने का, कि आप सोचते हो पहले हर एक चीज़ सोचते हो कि भाई जनरल केस क्या होगा, बेस केस क्या होगा, और कहाँ से वैल्यू फिर से ऊपर जाएंगे, और फिर से एक तरीके से लूप ही है लेकिन इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का एक सवाल। इसके बाद हम लोगों ने करना है एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बारे में ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। Question number 2, वो आपको ऐसे भी सवाल दे सकता है और कभी आपको वो आइट्रेशन के तरीके से आप लोगों को कोड देगा और वो कहेगा कि भाई इसको रिकर्जन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, करके देख लेते हैं जल्दी से। चलो जी एक दफा इसको स्टडी कर लो, पूरा पढ़ो उसको। उन्होंने हमसे यहाँ पे कहा है अ प्रोग्रामर अलाउस गेस्ट टू इनपुट अ मील ऑप्शन एट अ वेडिंग, सही है। एक प्रोग्राम है जो कि गेस्ट को बेसिकली अलाउ कर रहा है कि आप अपने मील ऑप्शन को चूज करें, क्या आपको मील ऑप्शन नंबर 1 चाहिए या मील ऑप्शन नंबर 2 चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने इसको स्टडी कर लिया, गेस्ट कैन चूज मील ऑप्शन 1 और मील ऑप्शन 2, ठीक है। द प्रोग्राम विल कीप काउंट ऑफ द नंबर्स, अब यहाँ पे काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, ऑफ द नंबर्स ऑफ ईच मील ऑप्शन चूजन, ठीक है। द प्रोग्राम एंड्स व्हेन अ वैल्यू अदर देन 1 और 2 इज एंटर्ड, अदर देन 1 और 2 जब एंटर होगी तो इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत इजीली समझ रहा हूँ कि अगर मैं इसको वैसे करता आइट्रेशन के तरीके से तो यहाँ पे क्या सिनेरियो होता, आप लोगों का अल्लाह भला करे
बेसिकली मैं फ्लैग लूपिंग करता। अगर आप लोगों ने पेपर टू की क्लासेस ली हुई हैं तो आप लोगों को फ्लैग लूपिंग का कॉन्सेप्ट पता होगा कि जैसे ही वन और टू के अलावा कोई और नंबर आएगा तो आप उसका फ्लैग को चेंज कर दोगे। यहाँ पे हम लोग कोड के अंदर भी देख लेंगे उसको, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि मैं अब थोड़ा बहुत रिकर्सिव सोच रहा हूँ तो उस रिकर्जन का लगा था हम लिखना है, तो मुझे उसके मुताबिक सोचना है कि ये वन और टू जो है ये बेसिकली मेरे बेस केस में इस्तेमाल हो सकते हैं। कि भाई अगर कोई और वैल्यू वन और टू के अलावा है तो वो जाहिर सी बात है हम लोगों को एक तरीके से बेस केस हमारा मीट हो जाएगा। जैसे ही बेस केस मीट होगा हम लोग अपनी रिकर्जन से बाहर निकल सकते हैं। अभी तक सिर्फ सोचा है मैंने, ये अभी मैंने पूरा सवाल पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। इट देन आउटपुट्स द काउंट ऑफ ईच मील ऑप्शन, ठीक है। अब ये क्या सीन है भाई के काउंटिंग कहाँ हो रही है, एडिशन कहाँ हो रही है, ये सारी चीज़ें जो है अब आपके मील ऑप्शंस की जो है इन्फॉर्मेशन ये स्टैक के अंदर स्टोर हो रही होगी। क्यों? क्योंकि अब ये रिकर्जन का कॉन्सेप्ट है इसमें। चलो अब यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं आपके प्रोसीजर का। प्रोसीजर मीन्स काउंट मील ऑप्शन वन और इंटीजर्स की डेटा टाइप है और मील ऑप्शन टू, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर दें। मील ऑप्शन वन और मील ऑप्शन टू एज अ पैरामीटर होंगे, ठीक है। इंटीजर डिक्लेयर मील ऑप्शन, इंटीजर डिक्लेयर मोर मील्स बोलियन। बोलियन क्यों इस्तेमाल करें? क्योंकि ये फ्लैग लूपिंग कर रहे हैं। अब वो कहे उन्होंने कहा है कि भाई मोर मील्स का इन्होंने एक फ्लैग बनाया हुआ है ट्रू के नाम से, वाइल मोर मील्स इज इक्वल टू ट्रू। मतलब जब तक ये फ्लैग आपको ट्रू रहेगा आपका लूप जो है वो चलता रहेगा। इनपुट मील ऑप्शन, मील ऑप्शन आपने लिया, इफ मील ऑप्शन इज इक्वल टू वन देन मील ऑप्शन इज इक्वल टू मील ऑप्शन प्लस वन, एल्स इफ मील ऑप्शन इज इक्वल टू देन मील ऑप्शन टू इज इक्वल टू मील ऑप्शन टू प्लस वन, आउटपुट मील ऑप्शन वन एंड आउटपुट मील ऑप्शन टू। तो एक तरीके से ये आपकी एडिशन खुद हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मोर मीन्स इज इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पे फ्लैग आपने एक तरीके से फॉल्स कर दिया। एंड इफ, एंड इफ, एंड व्हाइल, एंड प्रोसीजर। अब इस कोड को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है किसके अंदर? अब हम लोगों ने इस कोड को कन्वर्ट करना है अल्लाह भला करे आपके रिकर्सिव एल्गोरिथम के अंदर। कैसे करेंगे? अब हम लोगों को कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि हम लोगों का बेस केस क्या हो सकता है और अगर मुझे रिकर्सिव कॉल करनी है तो मैं किस पर्टिकुलर लाइन पे कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। करना स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहली चीज़ आपके प्रोसीजर की हेड फंक्शन की हेडर आएगा, विच इज प्रोसीजर मील्स काउंट नाम था उसका, पैरामीटर बिल्कुल सेम रहेंगे, बाय रेफ मील पॉइंट वन, मील ऑप्शन वन कॉलन इंटीजर, जो पैरामीटर ऊपर थे वही मैं ले रहा हूँ एज इट इज, कॉमा मील ऑप्शन टू कॉलन इंटीजर, अच्छा। अब सबसे पहला काम मेरा क्या होगा? ऊपर देखो इन्होंने इनपुट करवाया, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि अब मैं रिकर्सन के लिहाज से सोच रहा हूँ। अब मुझे अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट को, उनका सवाल ही यही था इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको यही सेम कोड लिखना है लेकिन अब वाइल कंडीशनल लूप के जो कंडीशनल लूप जो बेसिकली काम कर रहा है उसको आपने रिकर्जन के थ्रू करना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको इग्नोर किया, इसको इग्नोर किया, मैंने यहाँ पे इनपुट करवाया, इनपुट मील ऑप्शन अब यहाँ पे देखो अपने मैं बेस केस तैयार कर रहा हूं। इफ मील ऑप्शन is equals to 1 then meal option is equals to meal option plus 1, meal option plus 1। ऊपर देखते हैं उन्होंने क्या किया था, if meal option is equals to 1 then meal option 1 is equals to meal option 1 plus 1। तो यहाँ पे हम थोड़े बहुत चेंजेस कर लेते हैं, meal option 1 is equals to meal option 1 plus 1, ठीक है। अगर meal option आपका 1 होता है, यहाँ पे वो option input करवाएगा कि अगर आपका meal option 1 होता है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, meal option 1 is equals to meal option 1 plus 1 increment करवा दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से अपने function को call कर लेंगे, call
मेल ऑप्शन अपने प्रोसीजर को, सॉरी मेल ऑप्शन और पैरामीटर्स एज इट इज रहेंगे, मेल ऑप्शन वन कॉमा मेल ऑप्शन टू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वापस ऊपर चले जाएगा अगर ये कंडीशन मीट हो गई है तो, सही है। अगर ये मीट नहीं हुई है तो फिर हम क्या करेंगे, एल्स। मैं कलर कोडिंग के साथ काम करूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि रिकर्सिव का जो बेसिक लाइन है वो कहाँ पर है। एल्स इफ मेल ऑप्शन if mean option is equals to 2, then mean option 2 is equals to mean option 2 plus 1, mean option 2 is equals to mean option 2 plus One. और अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर मैं यहाँ पे भी अपना रिकर्सिव कॉल फिर से कर दूंगा ताकि ये वापस से एक तरीके से ऊपर चला जाए। कॉल मेल ऑप्शन वन, ये मैंने अपने फंक्शन को फिर से कॉल कर लिया। मेल ऑप्शन टू, ठीक है। अब यहाँ पे एंड इफ, अच्छा अब मुझे आउटपुट भी करवाना है। आउटपुट मैं कहाँ करवाऊंगा, इधर ही। मतलब अगर आपका मेल ऑप्शन जो है ना उसने वन डाला है ना टू डाला है तो मुझे एक तरीके से लूप से बाहर जाना है। अब मैं लूप से बाहर जाने के लिए क्या करना होगा, मुझे मुझे प्रिंट करवाना होगा कि भाई कितनी दफा मेल ऑप्शन आपका, कितनी मेल ऑप्शन वन चूज हुए, काउंटिंग को भी मुझे डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एल्स आउटपुट मेल ऑप्शन वन की वैल्यू कॉमा एक एम्प्टी स्ट्रिंग मेल ऑप्शन टू की वैल्यू, अब यहाँ पे एंड हो जाएगा मेरा। एक इसका एंड है, एक ऊपर वाले का एंड है, यहाँ पे एंड आ जाएगा और एक यहाँ एंड प्रोसीजर आ जाएगा। तो अब ये मेरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, बार बार मेरे फंक्शन को कॉल होता रहेगा और फिर एक एक ही चीज़ एक तरीके से रिपीट होती रहेगी। जब तक वो मेल ऑप्शन वन या टू में से ऑप्शन रहेगा तो वो आपका रिकर्शन कॉल होती रहेगी, अगर कोई और उसने डाल दिया तो वो डायरेक्ट एल्स पर आएगा और आउटपुट कर देगा मेल ऑप्शन वन और मेल ऑप्शन टू। ठीक है, ये एक तरीका हो गया आप लोगों का इस सुडो कोड को डील करने का, देख लो एक दफ़ा। आप लोग को उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा तो वहां से भी देख लेना सब। अच्छा, अब एक छोटे से कॉन्सेप्ट्स एंड दो क्वेश्चंस करवाने थ्योरेटिकल। पहला क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों का अनवाइंडिंग क्या होती है भाई, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और कोई ऐसा मुश्किल चीज है नहीं। अनवाइंडिंग क्या होती है, अच्छा देखो, व्हेन द बेस केस when the base case is met, is reached, all the data stored in stack, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जब वो डेटा स्टोर हो रहा होता है ना उसे हम कहते हैं वाइंडिंग। जब डेटा आपका स्टैक के अंदर स्टोर हो रहा होता है तो हम उसको कहते हैं वाइंडिंग। और अनवाइंडिंग क्या होता है, व्हेन द बेस केस इज रीच्ड ऑल द डेटा स्टोर्ड इन स्टैक गेट्स पॉप्ड आउट फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाना है, एक्सप्लेन व्हाट अ कंपाइलर
what a compiler has to do to implement recursion, has to do to implement recursion. Implement recursion. कंपाइलर को ऐसा क्या करना पड़ता है कि हम रिकर्जन को इम्प्लीमेंट कर सकें. अच्छा जी, जल्दी से लिख लेते हैं, पढ़ चुके हो इसको भी तुम लोग. When the recursive call is made, all values are put. इस particular process का नाम है winding. All values are put on the stack. When the base case is met, जब भी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसी के ऊपर हम लिख रहे हैं इसको. When the base case is met, the algorithm unwinds. ये भी हम लोग ऊपर स्टडी कर चुके हैं. The algorithm unwinds. एक लास्ट पॉइंट रह गया है. The last set of values are taken off of the stack in reverse order. जो कि स्टैक की बेसिक वर्किंग है. ये हो गया आप लोगों का रिकर्जन का कॉन्सेप्ट, हर एक चीज. अब इसके अंदर दो कोड्स और हैं हम लोगों के करने के, वो है ट्री ट्रैवर्सल से रिलेटेड. वो हम लोग अगली क्लास में नेक्स्ट जो इसके बाद का जो लेक्चर है उसमें करेंगे, जो कि एक तरीके से बाइनरी ट्री से रिलेटेड है, और एक सवाल है जो कि लिंक लिस्ट से रिलेटेड है. ठीक है, चलो जी.